नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएलसी टैग में, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे सीएनसी मशीन के पैनल के बारे में कि सीएनसी मशीन के पैनल में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग पैनल जो होता है उसमें क्या क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो मैंने पिक ली हुई है, ऐसा होता है हमारा ऑपरेटिंग पैनल। सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटिंग पैनल होता है वो ऐसा होता है, और उसमें जो मोड होते हैं, ये सेलेक्टर स्विच होता है, सेलेक्टर स्विच, और उसमें मोड होते हैं, एडिट मोड, सिंगल ऑटो मोड, ऑटो मोड, MDI, एक्सिस, जेड एक्सिस, जोग और रेफरेंस। इसके थ्रू हम मशीन को सिंगल ऑटो में, ऑटो में चलाते हैं, और प्रोग्राम, नया प्रोग्राम डालना है या हमें हैंडल में मशीन को चलाना है या जोग में चलाना है या रेफरेंस करना है, हम इसी से ही करते हैं। तो देखिए, अभी हम देखते हैं कि इसमें रिसेट स्विच, साइकिल स्टॉप, फीड होल्ड, साइकिल स्टार्ट, MPG और EMG, ये स्विच भी हैं। तो इन स्विच को कैसे हम यूज करते हैं वो मैं आज बताऊंगा। उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे हमें सिंगल ऑटो में चलाना है, जैसे हम मशीन की कभी सेटिंग करते हैं, नया पार्ट बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें सिंगल ऑटो में मशीन को चलाना होता है। सिंगल ऑटो में चलाने का मतलब है कि अगर हमने सेलेक्टर को सिंगल ऑटो की सेट किया है तो हम जब भी साइकिल स्टार्ट का स्विच चलाएंगे, दबाएंगे, तो उसमें मशीन एक सिंगल ब्लॉक चलेगी, जो सिंगल ब्लॉक में दिया होगा उतना ही मूव करेगी, और जब हम उसको ऑटो में कर देंगे तो एक बार साइकिल स्टार्ट दबाने से पूरा प्रोग्राम चलने के बाद मशीन फिर रुक जाएगी। तो ये हमारा सिंगल ऑटो और ऑटो में डिफरेंस होता है। एडिट में हम करते हैं, जैसे प्रोग्राम में कोई चेंज करना है या नया प्रोग्राम डालना है तो उस टाइम पे हमको सेलेक्टर को एडिट पे करना होता है। MDI मैनुअल डाटा इनपुट, MDI में हम मशीन के स्क्रीन पर, तभी जैसे RPM चलाना है हमें कोई, तो MDI में सेलेक्टर को करते हैं और इसकी डिस्प्ले पर RPM, जो RPM घुमाना होता है, जो डायरेक्शन देनी होती है उसमें कर वो डालकर हम घुमा देते हैं। और अगर हमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को हैंडल में चलाना है, मींस अगर हमें एक्स एक्सिस चलाना है तो हम इस सेलेक्टर का ये सिरा एक्स एक्सिस की साइड कर देंगे, और फिर MPG, ये मैनुअल पल्स जनरेटर बोलते हैं इसको, MPG होता है, इसको चलाते हैं। इससे हम एक्सिस को माइक्रोन में, 1 माइक्रोन चलाना है या 10 माइक्रोन चलाना है या 100 माइक्रोन चलाना है एक पल्स में, वो सेलेक्ट करके इससे MPG से चला सकते हैं। ऐसे ही हम जेड एक्सिस में चलाते हैं। जोग में चलाने के लिए, अगर हमें जोग में चलाना है तो फिर हमें MPG की जरूरत नहीं होती है, फिर हम इस सेलेक्टर को जोग में सेलेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस स्विच या जेड एक्सिस स्विच को प्रेस करते हैं। जैसे एक्स में चलानी है तो एक्स एक्सिस स्विच दबाएंगे, और जेड में चलाना है तो जेड एक्सिस स्विच दबाएंगे। और जैसे हमारी मशीन रेफरेंस करना है तो रेफरेंस करने के लिए हम सेलेक्टर को पहले रेफरेंस की साइड कर देंगे और उसके बाद एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का स्विच दबा देंगे, जिससे मशीन पहले एक्स में रेफरेंस हो जाएगी, उसके बाद जेड में रेफरेंस हो जाएगी। और ये हमारा रिसेट स्विच हम, जैसे अभी हमारी मशीन चल रही है और हमें इसको रोकना है वहीं पर, तो हम इसको रिसेट दबा देंगे तो उसके तभी हमारी मशीन रुक जाएगी। और साइकिल स्टॉप का भी यही मतलब होता है कि जैसे मशीन चल रही है और हमने साइकिल स्टॉप कर दिया है तो मशीन वहीं के वहीं रुक जाएगी, पर उस टाइम पे हमारा
स्पिंडल घूमता रहेगा और रिसेट करने पर हमारा स्पिंडल भी रुक जाता है। फील्ड होल्ड में भी हमारा यही होता है कि हमारा स्पिंडल घूमता रहेगा और मशीन मूव करना बंद कर देगी। और ये साइकिल स्टार्ट जो है हमारा, जैसे हम साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो हमारी मशीन उस प्रोग्राम पे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है हमारा पैनल, इसकी मैंने डिटेल बताई है। जैसे एडिट का हम यूज कब करते हैं, जैसे हमें नया प्रोग्राम डालना है या प्रोग्राम में करेक्शन करना है तो एडिट का यूज करते हैं। ऐसे सिंगल ऑटो, जब हमें मशीन की सेटिंग करनी होती है, नया प्रोग्राम, नया टूल और नया जॉब चलाना होता है तो हम उस टाइम पर सिंगल ऑटो का यूज करते हैं। जैसे सिंगल ऑटो में डालने के बाद हम साइकिल स्टार्ट का दबाएंगे जितनी बार, तो उतना ही ब्लॉक मशीन चलती रहेगी। उसके बाद हम ऑटो में डालने के बाद अगर हम साइकिल स्टार्ट दबा देंगे तो मशीन एक बार में ही पूरा प्रोग्राम चलेगी। MMDI में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम मशीन में जो ऐसे प्रोग्राम में RPM वगैरह, मशीन को RPM वगैरह देना चाहते हैं या मशीन को स्पिंडल या एक्सिस मूव करना चाहते हैं या फिर मशीन का स्पिंडल ओरिएंट करना चाहते हैं, तो ये सब हम MDI में कर सकते हैं। उसके बाद ये हैंडल में, जैसे मैंने बताया, हैंडल में डालने के बाद आप एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में MPG के हेल्प से उसको मूव कर सकते हैं। एक पल्स में एक मूव करना, एक माइक्रोन मूव करना है, 10 माइक्रोन मूव करना है या 100 माइक्रोन मूव करना है, ये आप चूज कर सकते हैं उसके सेलेक्टर से। और उसके बाद होता है जॉब जो हमारा होता है, जॉब में हम जैसे एक्स एक्सिस वाला स्विच दबाएंगे तो मशीन एक्स में मूव कर कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें पर पल्स नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमारा जॉब में मशीन चल रही है तो वो हर पल्स के हिसाब से नहीं चलेगी, केवल कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर हम जेड दबाएंगे तो वह जेड में मूव करना शुरू कर देगी। जॉब में हम कूलेंट को ऑन ऑफ कर भी करके देख सकते हैं, और जॉब में हम क्लैंप डी क्लैंप, काफी ऑपरेशंस होते हैं मशीन के जो हम करके देख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा रेफरेंस में हम जैसे मशीन को हमने बंद किया है तो बंद करने के बाद हमें उसको रेफरेंस करना होता है। अगर हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने के बाद मशीन को पहले रेफरेंस करना होता है, तो मशीन को रेफरेंस करने के लिए हम सेलेक्टर को रेफरेंस पर लाते हैं और एक्स और जेड एक्सिस को दबा देते हैं जिससे मशीन रेफरेंस हो जाती है। उसके बाद ये हमारे साइकिल स्टार्ट स्विच है, नया साइकिल स्टार्ट करने के लिए, फीड होल्ड मशीन को रोकने के लिए और साइकिल स्टॉप मशीन को प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। MPG मैनुअल पल्स जनरेटर जो हमारा स्विच होता है जो हम यूज करते हैं मशीन को मैनुअली चलाने के लिए। इमरजेंसी स्विच होता है हमारा, जैसे मशीन में कोई एबनॉर्मलिटी है उसको रोकने उस टाइम पर अचानक से रोकना पड़ रहा है तो हम इमरजेंसी स्विच का यूज करते हैं। और रिसेट हमारा होता है कि अगर इमरजेंसी स्विच और रिसेट स्विच एक ही तरह के हो सकते हैं, पर इमरजेंसी स्विच दबाने पर क्या होता है कि मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट होता है वह एकदम नहीं रुकता है, पर रिसेट स्विच से हमारा रोटेटिंग पार्ट भी एक साथ रुक जाता है और प्रोग्राम रिसेट होकर स्टार्टिंग में चला जाता है। पर इमरजेंसी दबाने पर हमारे मशीन के जो मूवमेंट वाले पार्ट होते हैं वो तो रुक जाते हैं, पर स्पिंडल थोड़ी देर बाद तक घूमता रहता है और उसमें प्रोग्राम जो होता है वह प्रोग्राम जिस सीक्वेंस नंबर पर हम इमरजेंसी दबाते हैं प्रोग्राम वहीं पर ही रहता है, फिर उसको हम रिसेट करते हैं और दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा CNC मशीन का ऑपरेटिंग पैनल। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं, और इसके बारे में कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी हमें लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।